हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कूटू और सिंघाड़े के आटे के पकौड़े। ये देखिए दोस्तों, ये हमने कूटू का आटा लिया है, इसे डालेंगे पहले बराबर इक्वल मात्रा में। अब ये हमने सिंघाड़े का आटा लिया है, इसे बराबर मात्रा में दोनों को मिलाएंगे। नमक ऐड कर रहे हैं इसमें, बस हम इसमें नमक ही ऐड करेंगे, मिर्च नहीं डालेंगे। अगर आपको मिर्च डालनी हो तो आप काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च ही व्रत में यूज़ होती है, आप उसे डाल सकते हैं। अब इसे पानी की हेल्प से इसका घोल तैयार करेंगे। ये हमारा घोल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम उबले हुए आलूओं को पकौड़े की शेप में गोल कट कर लेते हैं। हमने दोस्तों आलूओं को गोल शेप में कट कर लिया है, अब पकौड़े बनाते हैं। चला दी हमने इसमें अपने बैटर में आलू को डिप कर लिया है। अब कढ़ाई में घी ले लिया है हमने, अब इसमें पकौड़े उतारेंगे। ये हमारे पकौड़े बिल्कुल बनकर तैयार हैं। आप इसे चटनी से या दही से किसी से भी इंजॉय कर सकते हैं, हम इसे चटनी से सर्व कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये चटनी से हम सर्व कर रहे हैं। मेरी रेसिपी कैसी लगती है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।